लिए उसने तुझे इस्तेमाल किया है, यही कहना है तुझको, समझा? बयान बयान तो मैं दे दूंगा साहब, मगर कोर्ट के बाद मेरे को सीधा यही लाना साहब। मैं बाहर नहीं निकलूंगा साहब जब तक देवा पकड़ा नहीं जाता। मुझे यही रखना साहब। कोर्ट में देवा के खिलाफ तेरा बयान हो जाए बस, देवा जेल की सलाखों के पीछे होगा। चलो चलो पीछे हटो चलो। Excuse me, सर, हम उस गवाह के बारे में जानना चाहते हैं जिसे आप कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। क्या उसने पुलिस में यह बयान दे दिया है कि वो देवा के लिए काम करता है? वो किसके लिए काम करता है ये अभी हम आपको नहीं बता सकते। तो क्या पुलिस भी देवा के नाम से? सब पता चल जाएगा आपको, कोर्ट के फैसले के बाद सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और फैसले में देर कितनी है? इस वक्त तो गवाह कोर्ट में बयान दे रहा होगा। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर कुलकर्णी कोर्ट नहीं पहुंचे। कोर्ट नहीं पहुंचे? नहीं सर। तो गए कहां? मुझे इस तरह यहां पर लाया क्या? यह ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, यह देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी, 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू कहा शुरू करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी वो 12 लोगों का पेट भरता था और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट, ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था, तूने इसे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। इसे क्या हुआ गुडी?
बुड्ढी, अरे तू रो क्यों रही है? ओ, सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर से मुझे विलास ने फिर से क्या? भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, पागल होगी क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ, मैं भी क्या करती? तू चल मेरे साथ। देवा, देवा रुक, रुक बेटा, रुक। क्या देवा? देवा रुक। भैया मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो। हमें तो बात करनी है। भैया, विलास को सुनो। भैया, प्लीज। भैया, बात तो सुनो। भैया, रुक जा। भैया, रुक जा। भैया, क्या कर रहे हो? रुक जा। चल लग गई यार मिंडी। पैसा निकाल, पैसा निकाल, निकाल निकाल निकाल। भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेकर झगड़े करता था। दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पाप पाल रहा था, क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में। हे बाबूजी, बाबूजी, विलास तो मेरा भाई था ना, मगर गुड्डी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने जितना बड़ा पाप किया ना, देवा ने उतनी बड़ी सजा नहीं दी उसे। अरे देवा, क्या कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बहन के साथ। बाबूजी, शर्मनाक वो नहीं जो देवा ने किया, शर्मनाक वो है जो मेरे भाई ने किया, मेरे खुद ने। इतना इतना प्यार मुझे मिला है इस घर से, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिया। ताज़ेरात हिंद दफा 307 के तहत ये अदालत मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुनाती है। तू फिक्र नहीं करना, मैं बाबूजी को मनाऊंगा, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तू बिल्कुल एकाश क्या कर रहा है तू? देख,
मुझे भी रुलाएगा। आकाश